जर्सी, अपने देश के राष्ट्रीय टीम की जर्सी। जब भी कोई बच्चा खिलाड़ी बनने का सपना देखना शुरू करता है तो उसकी नन्ही आंखें देश के लिए खेलने और राष्ट्रीय टीम की जर्सी हासिल करने को एकमात्र सपना मान लेती हैं। और भला ऐसा हो भी क्यों नहीं। एक इंसान ने जिस देश की जमीन पर जन्म लिया हो, उस देश का नाम सीने पर हो और झंडा दिल के करीब हो, तब एक खिलाड़ी अपनी हद पार करके देश के लिए बेहतर करने और जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि जब एक खिलाड़ी में यह भावना घर कर लेती है तब उसके लिए विपक्षी टीम का मजबूत होना और अपने देश का कमजोर होना मायने नहीं रखता है। इसलिए क्रिकेट इतिहास ने कई ऐसे क्रिकेटर देखे हैं जो क्रिकेट फील्ड में छोटे देश की कमजोर टीमों से होने के बावजूद बड़े बड़े कारनामे करने में कामयाब रहे और खुद को साबित करने में सफल हुए हैं, और सबसे जरूरी बात, अपने देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करने के सपने को भी पूरा कर रहे हैं। इसलिए ऐसे मजबूत हौसले और अटूट जज्बे वाले खिलाड़ियों का जिक्र जरूरी है, वो जिक्र जो नारद टीवी की खास श्रृंखला कमजोर टीमों के महान खिलाड़ियों के जरिए किया जाता है। वो श्रृंखला जिसके पहले और दूसरे एपिसोड को आप सभी ने जबरदस्त प्यार दिया, साथ ही अगले एपिसोड्स के लिए लगातार फरमाइश भी की। तो चलिए फिर बिना वक्त लिए इस श्रृंखला के तीसरे एपिसोड की ओर आपको लिए चलते हैं और मुलाकात करवाते हैं कमजोर टीमों के अन्य टॉप 5 शानदार खिलाड़ियों से। वो खिलाड़ी जिनका नाम एक खिलाड़ी या इंसान का नाम नहीं बल्कि एक सुनहरे दौर और पहाड़ नुमा जज्बे की मिसाल है, क्योंकि हमारी लिस्ट के हर एक खिलाड़ी का संघर्ष और महत्व अपनी अपनी टीम के लिए महानता की श्रेणी में आता है। इसलिए हमने आज की वीडियो को काउंटडाउन वीडियो नहीं रखा है। हमारी आज की लिस्ट में पहला नाम है जॉन डिविसन, कनाडा। दोस्तों, कमजोर टीमों के महान खिलाड़ियों की श्रृंखला के पहले एपिसोड में जब हमने कनाडा से आशीष बगई का नाम शामिल किया तो बहुत से दर्शकों ने सवाल किया कि जॉन डिविसन के बारे में क्यों नहीं बताया। तो आज हम आपकी शिकायत को दूर करते हैं और कनाडा क्रिकेट में जॉन डिविसन का अहम योगदान आपको बताते हैं, क्योंकि आज भले ही जॉन डिविसन नाम को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एक वक्त था जब जॉन डिविसन को टेस्ट दर्जे का खिलाड़ी गिना जाता था। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे और वहीं से क्रिकेट के गुर सीखने वाले इस आक्रामक ऑलराउंडर ने 1999 में कनाडा का रुख किया और अच्छे प्रदर्शन के दम पर कनाडा ने साउथ अफ्रीका में होने वाले 2003 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वह जॉन डिविसन तब रातोरात स्टार बन गए जब इन्होंने वेस्टइंडीज की मजबूत गेंदबाजी के सामने 111 रनों की पारी खेली और सिर्फ 67 गेंदों में सबसे तेज विश्व कप शतक का उस दौर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस यादगार शतक के बाद भी डिविसन कई सालों तक कनाडा के लिए शानदार प्रदर्शन करते रहे और 2011 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो गए। मगर तब तक डिविसन ने 32 वनडे मैचों में 799 और 51 फर्स्ट क्लास मैचों में 1177 रनों के साथ क्रमशः 36 और 111 विकेट भी अपने नाम के आगे लिखवा लिए। इसके अलावा जॉन के नाम एक फर्स्ट क्लास मैच में 137 रन देकर 17 विकेट लेने का अद्भुत रिकॉर्ड भी है। जॉन के आंकड़े भले ही थोड़े कमजोर नजर आते हैं, लेकिन जॉन संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम का उन्हें अपने कोचिंग स्टाफ में जोड़ना ये बताता है कि क्यों जॉन डिविसन को छोटी टीमों का महान खिलाड़ी कहना एकदम सही है। इस लिस्ट का अगला नाम है मुदस्सर बुखारी, नीदरलैंड्स। वैसे तो नीदरलैंड्स ने साल 1996 में अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के बाद से विश्व क्रिकेट को पीटर बोरेन, पीटर सीलर, टॉम कूपर, रायन टेंडोशेट और स्टीफन माईबर्ग जैसे बढ़िया खिलाड़ी दिए, लेकिन इन सब नामों की चर्चा में अक्सर एक खिलाड़ी का नाम पीछे रह जाता है और उस डच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है मुदस्सर बुखारी। पाकिस्तान में जन्मे मुदस्सर बुखारी को विश्व क्रिकेट आज एक औसत खिलाड़ी के तौर पर याद करता है, लेकिन इन्हीं मुदस्सर बुखारी को जब नीदरलैंड्स क्रिकेट आंकड़ों में तोल कर देखा जाए तो बुखारी अब तक नीदरलैंड्स क्रिकेट इतिहास में हुए सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर नजर आते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े उनके नाम के आगे 46 वनडे और 38 टी20 मैचों में सिर्फ 673 रन और 100 विकेट दिखाते हैं, लेकिन मुदस्सर के लिए लिस्ट क्रिकेट के आंकड़े वाकई काबिले तारीफ हैं, जिनके चलते बुखारी को साल 2007 में कनाडा के विरुद्ध डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां उन्होंने नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 66 रनों की पारी खेली और बाद में 2 विकेट भी हासिल किए थे। अपनी डेब्यू सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद बुखारी नीदरलैंड्स टीम का अहम हिस्सा बन गए और 2016 में अपने संन्यास के वक्त बुखारी नीदरलैंड्स के करीब हर अंतर्राष्ट्रीय मैच का हिस्सा थे। ये वजह है कि आज भी बुखारी को ऑल टाइम नीदरलैंड ग्रेट्स में शामिल किया जाता है। तीसरे नंबर पर हैं केविन ओब्रायन, आयरलैंड। यूं तो भारतीय टीम से जुड़ा 2011 विश्व कप का हर लम्हा भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार है, लेकिन उस विश्व कप के कुछ अन्य लम्हे भी यादगार थे जो हर क्रिकेट फैन के जहन में आज भी ताजा हैं। उनमें से एक लम्हा था 2011 विश्व कप के एक जरूरी मुकाबले में केविन ओब्रायन के आतिशी शतक के चलते आयरलैंड का इंग्लैंड के विरुद्ध जीत हासिल करना। भले ही उस जीत के सबसे बड़े हीरो केविन ओब्रायन को विश्व पटल पर इंग्लैंड के विरुद्ध मैच से पहली बार पहचान मिली हो, लेकिन आयरलैंड के क्रिकेट गलियारों में केविन ओब्रायन का नाम 2006 में उनके डेब्यू से ही मशहूर हुआ था।
क्योंकि केविन ओब्रायन के पास छक्के मारने की जबरदस्त क्षमता के साथ पिच पर टिककर खेलने की भी काबिलियत है। साथ ही एक मीडियम पेसर के रूप में जरूरी किफायती ओवर फेंकने का हुनर केविन ओब्रायन को एक कंप्लीट ऑलराउंडर बनाता है। यही वजह है कि आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5,850 रन बनाने के साथ केविन ओब्रायन के नाम के आगे 172 विकेट भी दिखाते हैं। इसके अलावा केविन के अन्य T20 लीगों में लाजवाब प्रदर्शनों ने अन्य आयरिश क्रिकेटरों को भी बुलंदी पर पहुंचने का हौसला दिया। इसलिए केविन ओब्रायन को अगर आयरलैंड क्रिकेट इतिहास का सबसे चर्चित नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यही वजह है जो केविन ओब्रायन को आयरलैंड जैसी उभरती हुई टीम का महान खिलाड़ी बनाती है। इस लिस्ट में अगला नाम है राशिद खान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अन्य क्रिकेटर्स की तरह राशिद खान की कहानी भी आतंकवाद और जान बचाते रिफ्यूजियों की बदलती किस्मत की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अफगान वार के दौरान पाकिस्तान में अपने 10 भाइयों बहनों के साथ राशिद खान का वक्त क्रिकेट के करीब गुजरा। उस दौरान ही राशिद खान को पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी में अपना आइडल नजर आया। यही वजह है कि राशिद का बॉलिंग स्टाइल काफी कुछ शाहिद अफरीदी से मेल खाता है। पाकिस्तान में कुछ साल रहने के बाद राशिद ने अफगानिस्तान लौटकर अपनी पढ़ाई जारी की और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर अपने देश के लिए 2015 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। डेब्यू मैच से ही राशिद खान ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और देखते ही देखते राशिद खान ने विश्व क्रिकेट में अपनी अलग जगह बना ली। आज बात चाहे राशिद खान की चालाकी की हो, घूमती हुई गेंदों की हो, बेखौफ बल्लेबाजी की हो या डाउन टू अर्थ रवैये की, हर साथी क्रिकेटर राशिद खान के ग्राउंड पर फैसले और खेल की समझ की इज्जत करता है। इसलिए अफगानिस्तान क्रिकेट के चढ़ते ग्राफ की एक वजह राशिद खान को भी माना जाता है, क्योंकि राशिद ने अपने 6 साल छोटे अंतर्राष्ट्रीय करियर में टेस्ट, वनडे और T20 सब मिलाकर अब तक 290 विकेट हासिल किए हैं। इस छोटे से करियर में भी राशिद की जादुई उंगलियों ने हैट्रिक, किफायती और मैच जिताओ पर डालने के कई कारनामे भी किए हैं। राशिद के शानदार प्रदर्शन के बाद ही अन्य अफगानिस्तानी क्रिकेटरों को भी बड़ी बड़ी T20 लीग में मौके मिले। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि राशिद खान अफगानिस्तान जैसी नई टीमों में अभी तक जन्मे सबसे बड़े स्टार क्रिकेटर हैं। हमारी आज के इस लिस्ट में आखिरी नाम है ब्रेंडन टेलर, जिम्बाब्वे। दोस्तों, जिम्बाब्वे क्रिकेट इतिहास को हमेशा दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है, जिसमें पहला हिस्सा जिम्बाब्वे के स्वर्णिम दौर की कहानी बताता है, जबकि दूसरा हिस्सा जिम्बाब्वे की गर्द की दास्तान सुनाता है। और इन दोनों हिस्सों के बीच में जिस एक खिलाड़ी ने जिम्बाब्वे टीम को लंबे वक्त तक संभाले रखा, उस खिलाड़ी का नाम है ब्रेंडन टेलर। हालांकि ब्रेंडन टेलर को जिम्बाब्वे के लोग एक ऐसा हीरो मानते हैं जिसमें कुछ बुराइयां भी थीं, जिसमें मैच फिक्सिंग प्रकरण में नाम आना और पैसे के लिए जिम्बाब्वे छोड़कर काउंटी का रुख करना सबको याद है। मगर इन सबके बावजूद आज भी ब्रेंडन टेलर को जिम्बाब्वे का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज कहा जाता है, क्योंकि 36 साल के टेलर ने 18 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में करीब 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। यहाँ खास बात यह है कि 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों का ये जादुई आंकड़ा जिम्बाब्वे की तरफ से गिनती के खिलाड़ी ही हासिल कर पाए हैं, जिनमें से एक नाम ब्रेंडन टेलर का भी है। साथ ही इस दौरान टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17 शतक और 57 अर्धशतक भी बनाए हैं। ये टेलर की ही वजह थी कि खराब प्रदर्शन के बावजूद जिम्बाब्वे के बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं। इसलिए आज भले ही स्पॉट फिक्सिंग के मामले में टेलर को प्रतिबंध और बदनामी मिल रही है, लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट में टेलर का योगदान कई युगों तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 खिलाड़ी जो हमारे हिसाब से कमजोर टीमों की शान है। हालांकि इस लिस्ट में अब भी हम बहुत से नाम शामिल नहीं कर पाए हैं। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो जल्दी ही लौटेंगे इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।